आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमीर बलास टीपू कत्ल केस में मुबैना मुलजिम एहसन शाह की मुबैना ऑडियो सामने आ गई है। एहसन शाह ने मुबैना तौर पर जेल से खातून दोस्त को फ़ोन किया है। पुलिस जरा ये बताते हैं कि मुलजिम ने एक पुलिस अफसर के कत्ल की मनसूबाबंदी बारे खातून से जिक्र किया है। एक माह में बैरून मुल्क जाने से कबल गिरफ्तार करने वाले शख्स का काम करके जाना है। ऑडियो में एहसन शाह की जानिब से ये कहा जा रहा है। अमीर बलास टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मुबैना मुलजिम एहसन शाह की मुबैना ऑडियो सामने आ गई है। एहसन शाह ने मुबैना तौर पर जेल से खातून दोस्त को फ़ोन किया। मुलजिम ने एक पुलिस अफसर के कत्ल की मनसूबाबंदी बारे खातून से जिक्र किया है। अमीर बलास टीपू कत्ल केस में मुबैना मुलजिम एहसन शाह थे, जिनकी मुबैना ऑडियो सामने आई है। एहसन शाह की जानिब से मुबैना तौर पर जेल से खातून दोस्त को फ़ोन किया गया। पुलिस जराए का बताना है कि मुलजिम ने एक पुलिस अफसर के कत्ल की मनसूबाबंदी के बारे में खातून से जिक्र किया। एक माह में बैरून मुल्क जाने से कबल गिरफ्तार करने वाले शख्स का काम करके जाना है। ऑडियो में एहसन शाह की जानिब से अपने मुबैना खातून दोस्त को ये कहा गया। अमीर बलास टीपू कत्ल केस में मुबैना मुलजिम एहसन शाह, जो कि अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया, एक मुबैना ऑडियो सामने आई है। इरफान मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा डिटेल्स इस ऑडियो की। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि अमीर बलास टीपू के कत्ल के मुबैना मुलजिम एहसन शाह की मुकाबले से कबल की जो एक ऑडियो सामने आई है, और इस हवाले से पुलिस हुकाम के मुताबिक ये जो वीडियो ऑडियो लीक की गई है, इसमें बताया गया है कि एहसन शाह ने मुबैना तौर पर जेल से खातून अपनी एक दोस्त को फोन किया था, जिसमें उसने कहा कि वो एक पुलिस के ऑफिसर की कत्ल की मनसूबाबंदी कर रहा है, जिसने उसको गिरफ्तार किया था। इस हवाले से एहसन शाह की जानिब से ये भी कहा गया कि वो एक माह के अंदर अंदर बैरून मुल्क चला जाएगा, और जाने से कबल वो उस शख्स को जिसने उसको गिरफ्तार किया था पुलिस अहलकार, उसका बंदोबस्त करके जाएगा। जिस हवाले से पुलिस हुकाम के मुताबिक एहसन शाह ने पुलिस अफसर के कत्ल के लिए शूटर का भी जो बंदोबस्त जेल में किया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत से क्रिमिनल ऐसे हैं जिनकी जमानतें होनी थी, और उन्हीं में से एक को टारगेट किया गया था कि उसने पुलिस एहलकार को बाहर निकलकर कत्ल करना था। इस हवाले से पुलिस हुकाम के मुताबिक एहसन शाह ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन उससे पहले जब उसको निशानदेही के लिए लेके जाया जा रहा था, तो उस दौरान उसने उसके साथियों ने फायरिंग की और उसके नतीजे में एहसन शाह मौके पे हलाक हो गया था। पुलिस काम के मुताबिक पुलिस एहलकार जिसको टारगेट करने के लिए एहसन शाह ने प्लानिंग की थी, उसको सिक्योर करने के लिए भी इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान आपका।